मनप्रीत साथ में हैं, जो कि हॉकी टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं। पिछली बार जो ब्रॉन्ज भारत ने जीता था वो इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने वो ब्रॉन्ज लाया था। मनप्रीत, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम लोगों ने बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता था और अभी हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है, और टीम का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इस बार सर। आपके लिए एक सवाल है, वो आप ही के लिए, क्योंकि पिछली बार आपने नेतृत्व किया था और इस बार बतौर खिलाड़ी थे, तो कैसा फर्क होता है एक बार लीड करना, और क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है नो डाउट कैप्टन पे। यस सर। और एक्चुअली सर ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि हॉकी में क्या है कि एक टीम स्पोर्ट्स है, तो इसमें जितने प्लेयर ग्राउंड के ऊपर होते हैं सभी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लेयर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता। तो इसमें जब पहले कैप्टन था तब भी मैं ऐसे होता था कि हमें एज ए टीम खेलना है, और अभी एज ए प्लेयर हूँ तो तभी भी यही रहता कि हाँ कि एज ए टीम खेलना है और जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूँ टीम के लिए उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। आप जालंधर से आते हैं, हिंदुस्तान में पंजाब को हॉकी का मक्का कहा जाता है और पंजाब में जलंधर को हॉकी का मक्का कहा जाता है, तो परगट सिंह हो या बहुत सारे दूसरे नाम हो जो कि आप भी वहीं से हैं, आपने भी दो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो हमारा जो गोल्डन एरा था हॉकी का, हालांकि ये ब्रॉन्ज भी गोल्ड के बराबर है भारतीयों के लिए, लेकिन वो गोल्डन एरा लौटेगा, आपको लगता है उस राह पे हम चल पड़े? बिल्कुल सर, आई थिंक ऑलरेडी लौट चुका है, क्योंकि लास्ट हम लोग अगर देख रहे हैं कि लास्ट टोक्यो में भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता, अभी भी ब्रॉन्ज जीता, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो आई थिंक जो गवर्नमेंट कर रही है स्पोर्ट्स के लिए वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक फैसिलिटी मिल रही है सभी प्लेयर्स को, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है और एथलीट्स ऊपर आएंगे, क्योंकि एक मेडल से क्या होता है कि जब आप मेडल जीत के वापस आते हो तो पूरा देश आपको देखता है, और जो बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं, वो भी एक आपको आइडल जैसे देखते हैं, तो वो भी उनके लिए एक ड्रीम होता है कि हाँ कि मैं भी एक बार इंडिया के लिए खेलूं, वहां से मैं इंडिया के लिए मेडल जरूर जीतूं, क्योंकि जब मैं बचपन में था मैं भी ऐसे ही देखता था कि हाँ जब मैं परगट सिंह को देखता था कि वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जहाँ उनको वापस जब आते थे गाँव में तो एक वो मिलता था, एक क्या उसको बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस मिलता था, यही होता था कि हाँ कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो आजकल भी यही चीज़ें हो रही हैं कि बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो हॉकी प्लेयर बनना चाहते हैं, जहाँ शूटर बनना चाहते हैं, जहाँ कोई और स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए और हमारे स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। टीम स्पिरिट की बात करें, आपने कहा कि टीम गेम है हॉकी या कोई भी गेम, इंडिविजुअल भी आप खेलते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन, तो प्रधानमंत्री जब आपसे जाने से पहले मिलते हैं या जीतने के बाद बात करते हैं तो कैसा महसूस होता है आप लोग को, आप लोग के जो मोराल है वो कितना हाई होता है, कितना मोटिवेशन मिलता है? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके देश के प्रधानमंत्री अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल के आपको मोटिवेशन, जाने से पहले सभी एथलीट से बात करते हैं और यही बोलते हैं कि आप मेडल के बारे में मत ज़्यादा सोचिए, सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए, अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो मेडल खुद ही आ जाएगा, और जब आप जीतते हो या लूज करते हो उसके बावजूद भी आपके साथ जब बात करते हैं जीतने के बाद, जब आप मेडल के साथ होते हैं तब आपको खुशी देते हैं कि हाँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश को पूरा नाश है, अगर आप लूज़ भी करते हैं उसके बावजूद भी आपके साथ बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप मेडल के बहुत ज़्यादा पास थे, मेडल नहीं आया बट आपने बहुत अच्छा खेला, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है, वो मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है कि हाँ कि जब आपके लिए प्रधानमंत्री अपना बिजी टाइम से टाइम निकाल के आपसे बात करते हैं। मनप्रीति आपकी बेटी है? यस मेरी आपके साथ गई थी पेरिस? यस बिल्कुल सर। ये देखिए क्या नाम है इनका, थोड़ा बताएं। लुक जैस्मिन, से हाय ना, अभी देखिए बिल्कुल, तो जब परिवार के लोग साथ में होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं तो खुशी साझा करने में आपको कितना कितना अच्छा लगता है, जब परिवार का लोग भी वहाँ मौजूद हो जहाँ आपने गोल्ड जीता है, मतलब ब्रॉन्ज के रूप में गोल्ड जीता है। यस बहुत अच्छा लगता है सर, जब ये स्टैंड में वहाँ पे चेयर करती है मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, और जब मेडल के बाद हम लोग मैं इसको मिला तो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ कि मेरी बेटी अभी देख रही है, तो वो जब बड़ी होगी तो वो ये बोलेगी हाँ मेरे डैडी ने मेरा ऐसे ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो मैं वहाँ पे थी, तो एक खुशी के लम्हे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस टाइम सर। न्यूज 18 इंडिया से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर।